हु शुड वेयर डायमंड, हीरा कौन पहन सकता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल धनवेश ऑनलाइन के ऊपर। पिछले काफ़ी समय से अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे करियर, सरकारी नौकरी, पितृदोष, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, विवाह, प्रेम विवाह, ज्योतिष शास्त्र और आपका स्वास्थ्य, ज्योतिष जिज्ञासा, ग्रहों को बलवान करने के उपाय, शुभ योग, अशुभ योग, राजयोग, पंच महापुरुष योग, राशिफल, संतान सुख, जेमस्टोन जैसे अलग अलग बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारी चर्चा होती आ रही है। इसे YouTube चैनल धनवेश ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाकर के सारे ही प्लेलिस्ट में प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोस देख करके संपूर्ण माहिती आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जेमस्टोन वाली जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हीरा यानी कि डायमंड कौन धारण कर सकता है इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, अगर डाउट है तो सबसे पहले तो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूँगा। दो प्रकार के डायमंड होते हैं, एक अमेरिकन डायमंड होता है और एक ओरिजिनल डायमंड होता है। अमेरिकन डायमंड उसे झरकन भी कहा जा सकता है और जो रियल डायमंड होता है वह तो हीरा ही होता है। हीरा यानी कि डायमंड महंगा होता है, कॉस्टली होता है। अमेरिकन डायमंड लैब मेडेड होता है यानी कि लैब में बनाया जाता है, एक कांच के टुकड़े जैसा ही वह होता है। आज हम यहाँ पर ओरिजिनल डायमंड यानी कि जो महंगा वाला कॉस्टली होता है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जर्कन यानी कि अमेरिकन डायमंड इस पर चर्चाएं होती रहेगी। देखिए, डायमंड वैसे तो खूबसूरती बढ़ाने के लिए, खास करके मांगलिक कार्य जब होते हैं, विवाह जैसे कार्य होते हैं, तब निश्चित से ही कई ज्वेलरीज में पहना जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि शौक खातिर भी डायमंड धारण करना पसंद करते हैं। हमेशा ही डायमंड के साथ एक बात मैंने अनुभव में देखी है, लोगों के ऊपर घटित हुआ देखा है कि डायमंड यानी कि हीरा जिसे सूट कर गया वह व्यक्ति बहुत सफल होता है, बहुत आगे तक बढ़ता है, जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त करता है। लेकिन अगर वही डायमंड यानी कि वही हीरा अगर सपोर्ट ना करें, उल्टा प्रभाव दे दे, नेगेटिव प्रभाव दे दे, तो उस व्यक्ति का पतन तक भी कर सकता है। इसलिए डायमंड एक ऐसा स्टोन होता है, उसे धारण करने से पहले हमेशा ही मेरी यह आपको एक गुजारिश रहेगी, एक आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार जन्म कुंडली अध्ययन एक अच्छे ज्योतिषी के पास करवाएं, उसके बाद ही हीरा यानी कि डायमंड धारण करने के लिए विचार करें। अब कुछ ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल व्यू की बात कर लेते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसी परिस्थिति है तो आप डायमंड धारण करने के लिए विचार कर सकते हैं। अगर आपके वृषभ लग्न की जन्म कुंडली बन रही हो, आपकी अगर मिथुन लग्न की कुंडली बन रही हो, कर्क लग्न की कुंडली बन रही हो, कन्या लग्न की कुंडली बन रही हो, तुला लग्न की कुंडली बन रही हो, मकर लग्न की कुंडली बन रही है, कुंभ लग्न की कुंडली बन रही है, तो यहाँ पर हर एक जगह जो डायमंड होता है यानी कि जो शुक्र, वो धारण करने के लिए हम विचार कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में डायमंड यानी कि हीरा को शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट से एसोसिएट किया गया है, जोड़ा गया है। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कहीं भी बलवान नहीं है, कमज़ोर है, अस्त अवस्था के हैं, मृत अवस्था के हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था के हैं, तब निश्चित से ही आप डायमंड धारण करने के लिए विचार कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जन्म कुंडली अध्ययन बेहद यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। जन्म कुंडली अध्ययन क्यों आवश्यक हो जाता है? क्योंकि जो जेमस्टोन होता है वह एक फोर्स होता है, फोर्स यानी कि गति होता है। हर एक ग्रह के अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे कि शुक्र ग्रह की यहाँ पर आज बात हो रही है क्योंकि हीरा डायमंड की बात हो रही है। तो शुक्र ग्रह वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यह हुआ कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं जल तत्व के लक्षण कम दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, तब हमें उसे एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जल तत्व को अच्छा प्रभाव में लाने के लिए डायमंड का उपयोग किया जाता है। अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली में शुक्र की परिस्थिति कुछ ऐसे भाव में, ऐसे स्थान में बनी हुई है, ऐसी खराब परिस्थिति बनी हुई है और ऊपर से आपने डायमंड धारण कर लिया, तो हो सकता है कि आप डायबिटिक पेशेंट भी हो जाए, आपको मधुमेह की प्रॉब्लम हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, और भी बहुत सारे प्रजनन से जुड़े हुए रोग भी हो सकते हैं, बीमारियां भी हो सकते हैं, और भी रोग हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ही मैं आपको यही बात कहूँगा कि जन्म कुंडली अध्ययन करवाने के बाद ही कोई भी स्टोन अगर आप धारण करें तो आपके लिए वह लाभप्रद साबित हो सकता है।
कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट पर बात कर ली, अब कुछ सामान्य लक्षण पर भी बातचीत कर लेते हैं ताकि आप समझ पाएं कि डायमंड कौन धारण कर सकता है। अगर आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, यानी कि कैश फ्लो नहीं है, आपके पास कैश लिक्विडिटी नहीं आ रही, आप फाइनेंशियली वीक फील कर रहे हैं, आपकी वेल्थ नहीं बन पा रही, आपके पास धन आता नहीं है, आता है तो खर्च हो जाता है, टिकता नहीं है, धन आय नहीं होती, इनकम नहीं होती, धन से जुड़ी हुई कोई भी परिस्थिति खराब हो रही है आपके साथ में, तो निश्चित से हम वहाँ पर डायमंड धारण करने के लिए विचार कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, आप सुखद जीवन जीना चाहते हैं, आप ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपके आसपास में नौकरों की फौज हो, ऐसे आप बेहतरीन जीवन शैली जीना चाहते हैं, अगर आप बड़ी से बड़ी गाड़ियों का सुख भोगना चाहते हैं, लग्जूरियस कार्स, जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, रोल्स रॉयस होती हैं, BMW होती है, मर्सिडीज होती हैं, जगुआर होती हैं, अगर ऐसी कोई गाड़ी, ऐसी कोई उच्च वाहन की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में सुख भोगना चाहते हैं, आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको लाभ नहीं मिला, तो निश्चित से ही हम वहाँ पर शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए डायमंड का विचार कर सकते हैं, पहना सकते हैं और इससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मटेरियलिस्टिक जितने भी सुख होते हैं, सांसारिक सुख जितने भी होते हैं, बॉलीवुड हो गया या फिर हॉलीवुड हो गया, एक्टिंग फील्ड हो गया, आर्ट वाला कोई भी फील्ड हो गया, संगीत म्यूजिक वाला कोई भी फील्ड हो गया, सिंगर होना, म्यूजिक डायरेक्टर होना, ऐसे किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर अपना जीवन में करियर बनाना चाहते हैं, तो निश्चित से ही हम वहाँ पर डायमंड धारण करने के लिए विचार कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा, विपरीत लिंग आपके प्रति आकर्षण फील नहीं करते, आपके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते, विपरीत लिंग के साथ आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा, तो निश्चित माने कि आपके शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगे, पीड़ित होंगे और आपको शुक्र ग्रह का श्रेष्ठ लाभ नहीं मिल पा रहा हो, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। अगर स्पर्म काउंट आपके कम है, कमज़ोर है, तब भी हम शुक्र ग्रह के डायमंड को धारण करके उसका लाभ ले सकते हैं, यानी कि विवाह नहीं हुआ तब भी धारण किया जा सकता है, विवाह हो गया, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तब भी धारण किया जा सकता है, प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे, किसी विपरीत लिंग के प्रति आपको प्रेम है, एक तरफा ही प्रेम है, वह व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा, तब भी हम यहाँ पर डायमंड धारण करने के लिए विचार कर सकते हैं। अगर आपकी सेक्स लाइफ कमज़ोर है, अगर आप शारीरिक सुख में कहीं ना कहीं कमज़ोरी फील कर रहे हैं, अगर आप अपनी वाइफ अथवा तो हस्बैंड को फुलफिलनेस, संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, निश्चित माने कि शुक्र आपके कमज़ोर हैं और वहाँ पर हम डायमंड धारण करने के लिए विचार कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ जन्म कुंडली अध्ययन का विषय होता है, जन्म कुंडली अध्ययन करवाने के बाद ही किसी भी ग्रह का कोई भी रत्न आपको धारण करना चाहिए। अगर आप ज्वेलर हैं, यानी कि आपकी ज्वेलरी शॉप है अथवा तो आप ज्वेलरी का कार्य करते हैं, सिल्वर मेटल का कार्य करते हैं, वाइट गोल्ड का कार्य करते हैं, प्लेटिनम जो मेटल होती है उसका अगर कार्य करते हैं, तो निश्चित से ही आप डायमंड का भी उपयोग कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं और इससे भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप किसी गुप्त विद्या में पारंगत होना चाहते हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र भी गुप्त विद्या कही जाती है, गुप्त ज्ञान कहा जाता है, तो ऐसी किसी विद्या में आपकी रुचि है, उसमें आप अपने जीवन को आगे देखना चाहते हैं, वहाँ पर सफल होना चाहते हैं, निश्चित मानिए कि शुक्र ग्रह को बलवान करना आपके लिए बेहद आवश्यक हो जाएगा और शुक्र बलवान करने के लिए डायमंड वहाँ पर धारण किया जा सकता है। जन्म कुंडली अध्ययन बेहद इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अगर जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं, अन्यथा कोई भी स्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे नंबर पर तुरंत से संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी हूँ, तो आपको एडवाइस दे सकूँगा कि आप धारण कर सकते हैं रत्न कि नहीं धारण कर सकते, तथा हमारे कॉन्टैक्ट में कई सारे ऐसे वेंडर्स भी हैं जो कि आपको अच्छी बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस वजह से रत्न धारण करना भी चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे कई सारी आपकी उलझनों का मैंने आज समाधान किया होगा। अगर कोई प्रश्न फिर भी छूट जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कौन सी उंगली में डायमंड धारण करना चाहिए, कौन से वारों को धारण करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होती है, क्या विधि होती है, इन सभी विषयों पर भी आगे आने वाले दिनों में चर्चाएं होती रहेंगी। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए, आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस आते हैं वहाँ से आपको लंबी माहितियाँ मिलती रहेगी। जल्द मिलेंगे, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।